हेलो एंड वेलकम टू तमन्स किचन। गर्मी का मौसम है और सभी लोगों को गर्मी में ठंडी चीज़ें खाना पसंद है, तो आज हम बनाएंगे फ्रूट लॉलीज। इसको बनाने के लिए हमने लिया है वाटरमेलन, ग्रेप्स और ऑरेंज। इन सब का हमने जूस बना लिया है। जो फ्रूट बीज वाला है उसका पहले बीज निकाल लें, फिर जूस बनाएँ। हमने ऑरेंज जूस लिया है, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिलाएं, नहीं तो स्किप कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने वाटरमेलन जूस लिया है, इसमें भी थोड़ा सा शक्कर डालेंगे, हमारे यहाँ मीठा पसंद किया जाता है। अब हमने लास्ट में ग्रेप्स जूस लिया है, इसमें भी शक्कर डालेंगे। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, कम लग रहा। अब हमने सभी जूस को मोल्ड में भर दिया है, इसका ढक्कन बंद करेंगे। और इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। दस घंटा हो गया है, लॉलीज अच्छे से जम गया। अब इसको हम निकालेंगे। इसको निकालने से पहले 5 से 10 सेकंड तक पानी में रखना है, इस तरह से, ठंडे पानी में। इसको इस तरह से, ये ग्रेप्स लॉलीज। ये वाटरमेलन, ये ऑरेंज। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। फ्रूट लॉलीज तैयार हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं और बनाना भी आसान है। बस छिलका और बीज निकाल लें, मिक्सर में बारीक पीस लें, थोड़ी सी शक्कर मिलाएं और बना लें। और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।